अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो वर्ल्ड कप का मैच खेला गया उसके बारे में जी। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो है टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कोई ये फैसला था ऑस्ट्रेलिया का पहले बैटिंग करने का उनके लिए अच्छा साबित नहीं रहा। तो उसके बाद जो है उन्होंने बैटिंग की, वार्नर और उसके साथ जो है स्मिथ ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उनके बाद जैसे उनकी विकेटें गिरी ऑस्ट्रेलिया जो है स्टेबल नहीं कर सका वहां से, और बैक टू बैक विकेटें गिरती गई उनकी। इंडिया के जो स्पिनर थे उनके आज जो है बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। कुलदीप हो गए, उधर से जडेजा हो गए, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आज उन्होंने एक ओवर में दो आउट कर दिए थे। उसके अलावा अश्विन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तो कुल मिला के जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 200 पे ऑल आउट कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत ही नाकिस रही आज, शुरू में एक पार्टनरशिप लगी थी लेकिन जब इंडियन बैटिंग के लिए आया तो आज वाकई लग रहा था कि यहाँ पर इस विकेट पे बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से जो है इंडियंस शुरू में जो है उनके तीन बैट्समैन जीरो पे आउट हो गए थे। जिसके बाद जो है विराट कोहली का एक कैच आसान से कैच था जो एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श ने जो है छोड़ दिया, उसका जो है उन्हें खमियाजा इस मैच को हार कर भुगतना पड़ा। उसके बाद कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की जी, और उनके साथ केएल राहुल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, जो कि 97 पे ऑलमोस्ट नॉट आउट गए थे। वो सेंचुरी हो सकती थी उनकी, वो अगर वो हार्दिक पांड्या वहां पर हिटिंग ना करते तो उनकी सेंचुरी भी हो सकती थी। तो ये सारा कुल मिला के जो मैच की अपडेट थी। तो कल जो होने वाला मैच है वो है जी न्यूजीलैंड और नेदरलैंड के दरमियान मैच है, ये भी कल तकरीबन पाकिस्तान 1:30 बजे शुरू होगा और इंडियन टाइम जो है ये 2 बजे शुरू होगा। तो इस तरह पूरे मैच वर्ल्ड कप की कवरेज को हम कवर करते रहेंगे, और मैच की अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।